class 4th CBSE from our NCERT book is going to school. आप सबको स्कूल जाना पसंद है? Yes or no? Yes? सबको स्कूल जाना पसंद है, पर आप लोग स्कूल कैसे जाते हैं? Obviously सुबह रेडी होके जाते हैं, पर घर से स्कूल पहुंचते कैसे हैं? या तो वैन से जाते हैं, या स्कूल बस से जाते हैं, कुछ लोगों के मम्मी पापा छोड़ने जाते हैं, कुछ लोगों के दादा दादी छोड़ने जाते हैं, और कुछ लोग वॉक करके ही चले जाते हैं क्योंकि उनका स्कूल सिर्फ हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पे ही होता है. बट आपको ये पता है कि कुछ स्टेट्स में बच्चे बैम्बू ब्रिज से भी जाते हैं? यस, बैम्बू ब्रिज. नाउ अब आप सब सोच रहे होंगे, ये मैम क्या बोल रही है, बैम्बू ब्रिज, व्हाट इज दिस बैम्बू ब्रिज, ये बैम्बू ब्रिज क्या है? आई विल टेल यू व्हाट इज दिस बैम्बू ब्रिज. ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. जब बहुत ज्यादा रेन्स आ जाती हैं, आपने देखा होगा जब बहुत बारिश होती है तो कभी कभी फ्लड्स आ जाते हैं. फ्लड्स आने से क्या होता है, सब पानी भर जाता है, रोड्स पे सब जगह पानी भर जाता है. तो वहां पे एक स्टेट है असम. असम में जो बच्चे हैं वो स्कूल जाना तब भी नहीं छोड़ते जब उनकी पूरी रोड्स पे पानी भर जाता है. तो वो जाते कैसे हैं? आप सोच रहे होंगे पानी भर जाता है तो रोड्स पे ट्रैवल कैसे करते हैं? वो ट्रैवल करते हैं बैम्बू ब्रिज से. नाउ व्हाट इज दिस बैम्बू ब्रिज? आप स्क्रीन पे इमेज देख पा रहे होंगे एक, दिस इज द बैम्बू ब्रिज. तो आपने ये इमेज देखा बैम्बू ब्रिज का, इसमें आपने देखा है कि एक बैम्बूस को ज्वाइन करके, जिसे हम बांस भी कहते हैं, बांस से एक ब्रिज बनाया गया है जो रोप से कनेक्टेड है, और उन रोप्स को पकड़ के बच्चे उन बैम्बू से ट्रैवल कर रहे हैं, जो एक बैम्बू को एक रास्ते की तरह यूज किया गया है. एक हाथ में बच्चे अपनी बुक्स पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से उस रोप को पकड़ के वॉक करते हैं, और वो रोप इसलिए पकड़ते हैं कि कहीं गिर ना जाए या उनका बैलेंस ना बिगड़ जाए, इस कारण. सो दिस इज द बैम्बू ब्रिज. एंड नाउ कुछ एक्टिविटीज भी आपकी इस बुक में दे रखी हैं. जैसे एक एक्टिविटी मैं आपको बताऊंगी, आप क्या कर सकते हैं, आपने अपने घर के बाहर कुछ ब्रिक्स तो देखी होंगी. ब्रिक्स मीन्स ईंट, सबको पता है ईंट क्या है, ब्रिक्स क्या है. आप क्या करिए, जब आप खेलते हैं या पार्क में या कहीं पे भी, स्लोली एक ईंट को उठाइए, दूसरी ईंट को उठाइए और उसे एक वे की तरह बना के रखिए. वे मींस रास्ता, एक रास्ते की तरह अगर आप चार ईंटें भी रख देंगे और जब आप उस पे वॉक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक रास्ते की तरह बन चुका है. ओके, सो कुछ जगह लोग ऐसा भी करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा जब बहुत बारिश आ जाती है और सड़कों पे बहुत पानी भरा होता है तो लोग ऐसा ही एक तरीका अपनाते हैं, वो ईंटें रख देते हैं और उस पे चलते हैं कि हमारे पैर पानी में ना चले जाएं या हम लोग गिर ना जाएं. तो वो ईंट से ऐसे प्रॉपरली बैलेंस करके वॉक करते हैं, जिससे क्या होता है कि एक रास्ता भी बन जाता है और हमें चलने में भी आसानी होती है. ओके, तो आप लोगों को आई होप सो समझ आ रहा है कि गोइंग टू स्कूल तब भी, व्हेन वी आर गोइंग टू स्कूल, जब हमारे कुछ हर्डल्स हैं, जब हमारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें नेचर के थ्रू हैं, तब भी हम अपना स्कूल जाना नहीं छोड़ते. ओके, सो नेक्स्ट, ट्रॉली. नाउ व्हाट इज ट्रॉली? चलिए Now we'll see what is trolley. TROLLEY, trolley. I hope so आप सबने ये word सुना होगा. आप लोग मम्मी के साथ सुपरमार्केट जाते हैं, बिग बाजार जाते हैं, डी मार्ट जाते हैं, तो मम्मी कहती है get a trolley.
टू पुट दैट ऑल दी ग्रोसरी इन इट और ऑल दी थिंग्स वट एवर यू बाय. बट मैं उस ट्रॉली की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ट्रॉली एक रोपवे की बात कर रही हूँ जिसका पिक्चर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे. सो ट्रॉलीज बेसिकली हिली रीजन्स में यूज होती हैं. हिली रीजन्स कैसे होके, जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं, जहाँ पे वैलीज होती हैं, और कभी कभी वहाँ पे ट्रैवल करना मुश्किल होता है, तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ट्रॉलीज. ऐसे हमारे बहुत से रीजन्स हैं हमारे इंडिया में जहाँ पे हम ट्रॉलीज का यूज़ करते हैं. सो कैसे, अब जैसे अगर सपोज कीजिए लद्दाख, लद्दाख लेते हैं हम. लद्दाख में कोई रिवर है. अब किसी बच्चे को एक विलेज से दूसरे विलेज में पढ़ने के लिए जाना है. अभी आप कहेंगे उसे एक विलेज से दूसरे विलेज में क्यों पढ़ने के लिए जाना है, वो अपने विलेज में ही क्यों नहीं पढ़ता. बट कुछ अभी भी इंडिया में ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं, और जब हमें, जब उन बच्चों को पढ़ने के लिए जाना होता है तो उन्हें काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है उन स्कूल्स में पढ़ने के लिए, और वो स्कूल्स का जो डिस्टेंस होता है वो भी काफ़ी दूर का होता है. तो कभी कभी बीच में रिवर्स पड़ते हैं. सो रिवर्स जब पड़ते हैं तो उन्हें क्रॉस करने के लिए, अब स्विम तो नहीं करेंगे वो लोग, सो वॉट दे यूज, दे यूज द ट्रॉली वे, जिसका पिक्चर अभी मैं आपको दिखा चुकी हूँ. ट्रॉली क्या कैसे रहता है, इन लोगों ने रोप वे से कनेक्ट किया होता है. अभी भी इंडिया में कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहाँ पे स्कूल्स नहीं हैं. वहाँ के बच्चों को अगर स्कूल पढ़ने जाना है तो उन्हें एक विलेज से दूसरे विलेज में ट्रैवल करना पड़ता है, जो एक अच्छे खासे डिस्टेंस में होता है, एक टाइम डिस्टेंस पे होता है. सो वहाँ पे भी वो लोग कैसे ट्रैवल करेंगे, लाइक समटाइम्स रिवर्स हैं कुछ हैं, तो इट इज़ नॉट लाइक कि वहाँ पे वो स्विम करके जाएंगे, या कुछ ऐसे पहाड़ हैं या कुछ भी है, कुछ भी हर्डल हो सकता है माउंटेन एरिया का, तो वो कैसे ट्रैवल करेंगे, तो उस समय ट्रॉलीज यूज करते हैं. अब ट्रॉलीज क्या हैं, ये आपको मैं पिक्चर के थ्रू तो दिखा चुकी हूँ, पर एक बार मैं आपको बताती हूँ. लाइक आप सपोज कीजिए ये एक माउंटेन है, बीच में इस तरह से रिवर है, ओके, एंड अगेन हेयर इज अ माउंटेन. तो ट्रॉली क्या रहता है, एक रोप वे रहता है, एक रोप से कनेक्टेड एक वुड का बॉक्स होता है, जहां पे एक टाइम पे एक से पांच लोग तक बैठ सकते हैं, और वो एक पुली से कनेक्टेड होता है. ये पुली मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कि क्या रहता है पुली, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस, बट वो एक पुली से कनेक्टेड रहता है. जैसे आप नाम से अभी भी सजेस्ट कर पा रहे होंगे कि वो उस चीज को पुल करता होगा, एक हुक के साथ रहता है, बट ये बहुत ही टाइट हुक होता है. इट्स नॉट कि कोई बैठा तो गिर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है. ये काफी टाइट रहता है, और ये पुली एक सॉरी ये ट्रॉली एक साइड से दूसरी साइड लेके जाती है इस पुली की हेल्प से. सो जिन रीजन्स में हमें कोई रिवर क्रॉस करके जाना है या कुछ माउंटेन्स क्रॉस करके जाने हैं, तो उन जगह पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रॉलीज. ओके, सो हियर वी एंड द टॉपिक ट्रॉली, एंड वी विल स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक पुली. पहले मुझे आप लोग एक चीज बताइए, अगर मम्मी आपको कहेगी कि जाओ पानी लेके आओ, तो आप कैसे लेके आओगे. अभी आज के जमाने में तो आप लोग फ्रिज में जाएंगे या वाटर कूलर के पास जाएंगे, एंड यू विल ओपन दैट एंड पुट द वाटर इन द ग्लास और लाके दे देंगे मम्मी को, लीजिए मम्मी पानी पीजिए. बट आप अभी भी जानते हैं, आप लोगों ने काफी मूवीज देखी होंगी या कुछ सीरियल्स देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि अभी भी लोग कुएं से पानी लेते थे विलेजेस में पहले, या अभी भी कुएं से लेते हैं काफी विलेजेस में. तो आपने कभी वो जो वेल होता है, जिसे आप लोग वेल कहते हैं कुएं को, तो आपने कभी देखा है कि उससे पानी जब खींचते हैं तो कैसे खींचते हैं, इस तरह से खींचते हैं, है ना. तो दैट इज द पुली. पुली क्या होता है, जो हमें पुल करने में
इजी इजली हेल्प करे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुली। अभी जब मैंने आपको ट्रॉली के बारे में बताया था तो मैंने ये वर्ड यूज किया था पुली। मैंने आपको कहा था इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दूंगी। पुली क्या होता है? पुली अगर देखा जाए, जैसे आपको नाम से ही सजेस्ट आउट हो रहा होगा, पुली कुछ पुल खींचना, कुछ खींचने के लिए। पर कैसे? पुली क्या होता है? एक सर्कुलर फॉर्म जैसे डिस्क होती है अपना, उस फॉर्म में होता है और उसके इस साइड में रोप्स, मतलब इस तरह से उसके आसपास रोप होता है जो हम लोग ही लगाते हैं पुली के साइड पे, और यहाँ पे जहाँ वेल होता है हम उसे बकेट से कनेक्ट कर देते हैं, और इससे क्या रहता है, हमें पानी खींचने में आसानी रहती है, और जब अगर हमें बीच में रुकना भी है पानी खींचते वक्त तो हमारे हाथ में जोर नहीं आता, सारा जोर इस पुली जिससे कनेक्ट होती है उसके ऊपर, इस पुली के ऊपर रहता है। और मेन बात यह है कि जब आप खींचते हैं तब तो आपको थोड़ा जोर लगाना ही पड़ता है, ऑब्वियसली जब आप किसी चीज को पुल करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ तो अपना लाइक स्ट्रेंथ लगाना ही पड़ता है। बट अगर आप रुकते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर ही पूरा वेट आ रहा है या समथिंग। पुली बेसिकली आपको खींचने में या किसी चीज को पुल ऑफ करने में आपकी हेल्प करती है, एंड इजी भी कर देती है वो आपका काम। इस तरह से काफी चीजें रहती हैं। आप लोग सोच के रखिए कि हम लोग पुली किस किस चीज में यूज करेंगे, और मैं डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द लेसन इस क्वेश्चंस के ऊपर भी आऊंगी और आंसर्स दूंगी। आप लोग भी सोचिए हम किस चीज के ऊपर और यूज करके रख सकते हैं पुलिस को। ओके सो मैं होप करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा पुलिस तक, एंड टू प्रिपेयर विद टू अदर नेम्स जो पुलिस यूज करते हैं हम, जिसमें ये मैं आपसे आपको बताऊंगी लेसन के एंड में, ठीक है? तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीमेंट ब्रिज। ऑब्वियसली फ्रॉम द नेम यू कैन सजेस्ट द ब्रिज या कोई भी ऐसा ब्रिज। मैं आपको बता चुकी हूँ ब्रिज क्या होता है, जो आपको हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, एक वे या रास्ता कह सकते हैं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, जो सीमेंट का बना होता है। अब आप कहेंगे बैम्बू ब्रिज भी तो था, अभी सीमेंट ब्रिज की क्या जरूरत है? ट्रॉली भी तो थी जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रही थी, तो अभी सीमेंट ब्रिज क्यों है ना? सीमेंट ब्रिज, पहले मैं आपको बताती हूँ कि सीमेंट ब्रिज है बेसिकली, एंड ये ब्रिज सीमेंट क्यों हम यूज कर रहे हैं ब्रिजेस बनाने में। आप लोग जहाँ जिस घर में रहते हैं वो घर आपका बना हुआ है ब्रिक से, सीमेंट से, पत्थरों से, क्योंकि तो उससे क्या है कि वो घर स्ट्रांग है। ओके क्यों बना है वो घर उससे कि वो स्ट्रांग रहे, कि कोई भी नेचुरल कंडीशंस आए, बारिश आए, धूप आए, या कोई भी ऐसी नेचुरल कंडीशंस आए, अर्थक्वेक्स आए, तो इतनी जल्दी ऐसा नहीं कि वो ढेर हो जाएगा। आप जानते हैं पहले जो घर बनते थे वो बैम्बू से बनते थे, तो क्या होता था बैम्बू से बनते थे या फिर कुछ भी जिसे आप कहते हैं आज के जमाने में आप कहेंगे घास या कुछ ऐसे रख के स्ट्रॉस जिसे हम लोग कहते हैं उनसे बनाए जाते थे, शेड की तरह झोपड़ी जिसे कहा जाता है इस फॉर्म में बनाए जाते थे। लेकिन वो क्या होता था जब बहुत ज़्यादा बारिश आती थी या कुछ ऐसी नेचुरल अनसर्टेनिटी आती थी तो वो घर टूट भी जाते थे। फिर ह्यूमन बींग ने सीमेंट वगैरह यूज़ किया, स्टोन्स यूज़ किए, जिससे उन्होंने पक्के घर बनाए। सो इसी तरह से हमारे सीमेंट ब्रिजेस बनते हैं सीमेंट स्टोन एंड आयरन रॉड्स को यूज करके। अब आई एम श्योर कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम सीमेंट ब्रिजेस बना सकते हैं तो हम ट्रॉलीज का क्यों यूज करते हैं, हमने बैम्बू ब्रिज क्यों बनाया है? बिकॉज जब हम सीमेंट ब्रिज